नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, लॉकडाउन हुए लगभग एक महीने सुपर हो गया है और आपको मालूम होगा कि जैसा कि मैंने थंबनेल बना के रखा है कि गवर्नमेंट आरबीआई ने एक महीने पहले लगभग मॉरेटोरियम के लिए बोल दिया था कि आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं। उन्होंने बैंकों को सजेशन दिया था और सारे काफ़ी बैंकों ने इसको अप्लाई किया, लगभग सारे बैंकों ने इसको NBFCs ने फॉलो किया और आप लोगों को मॉरेटोरियम मिला। अभी स्थिति के अनुसार जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना जो कहर है वो यार अभी उतनी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात को देखा जाए तो यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, लोगों का रोज़गार, उनकी जॉब अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जैसा टाइम बीत रहा है, देखिए मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई आ जाएगा, उसके बाद जून से आपका जो EMI है वो चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी राहत वाली बात है कि हमारे जो RBI के गवर्नर हैं उन्होंने सारे बैंकों को और सारी NBFCs को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जैसे पहले सजेशन दिया था कि यदि आप लोग चाहो तो अपने कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स को मॉरेटोरियम दे सकते हो, यानी आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी ये जितना फैसला है ये सारे बैंकों पर है, सारी NBFCs पर है कि आगे आने वाले टाइम में वो मॉरेटोरियम बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। पर अब जो आप लोग बोलोगे ये बात तो आपको पता है, पर हम जो यूट्यूबर्स होते हैं काफ़ी सर्वे करते हैं, काफ़ी लोगों से जो बैंकर्स हैं कॉन्टैक्ट करते हैं, जो नेशनलाइज बैंक NHB में काम करते हैं, तो अभी के अनुसार आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। जून के बाद एक महीने के लिए आपको एक तो शोर एक्सटेंशन मॉरेटोरियम में मिलने वाला है, वो मेरी गारंटी है। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करना है। पहले तो मॉरेटोरियम का टाइम ख़त्म होने दीजिए, मई जैसे मई का लास्ट आता है आप अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करिए, थ्रू मेल, थ्रू फ़ोन या लोकल ब्रांच में भी जा सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, आप ट्वीट भी कर सकते हैं और उनसे पूछिए भाई मेरा भी ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरी शॉप है वो अभी खुली है 15 दिन पहले या अभी भी खुली नहीं है। देखिए अगर खुलती नहीं है तो फिर तो मॉरेटोरियम एक महीने से ऊपर बढ़ जाएगा, बट जैसे 3 मई में लॉकडाउन या 10 मई कहीं में 12 मई तक लॉकडाउन खुल जाता है और आपकी दुकानें खुल जाती हैं तो जाहिर सी बात है इतने दिनों से जो बिज़नेस बंद है 15 दिन में आपको उतना EMI भरने में शायद तकलीफ हो, तो वो आप हवाला दे के वो प्रॉब्लम सॉल्व दे के सर्टिफिकेशन दे के आप अपने बैंक पर्टिकुलर बैंक NBFCs को बोल सकते हैं कि हमें एक महीने की एटलीस्ट और मॉरेटोरियम के लिए एक महीने की EMI की राहत के लिए हमको फिर से राहत दी जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको यकीनन एक महीने की राहत और मिल जाएगी और ईश्वर न करे अगर स्थिति इससे ज़्यादा नहीं सुधरती है तो आपको ये राहत और आगे आने समय में तो राहत ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ यदि 3 मई को लॉकडाउन खुल जाता है और आपकी शॉप्स खुल जाती हैं। तो गाइस, अगर आपको लगता है ये वीडियो काम का है तो इसको यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और यार ये चीज़ ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पर हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे।